पेश है हिंदी जबान में अपडेट। जब संसार भर में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जा रहा है, भारत में मोदी के शासन में अल्पसंख्यकों का निरंतर दमन किया जा रहा है। ऐसे समय में जब सामाजिक न्याय का दिवस विश्वव्यापी रूप से मनाया जा रहा है, भारत में अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया है। एक ओर सामाजिक न्याय का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, तथा उधर दूसरी ओर भारत में अल्पसंख्यक प्रत्येक स्तर पर सामाजिक न्याय से वंचित हैं। अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय का आधार है, परंतु भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों तथा सिखों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों का व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मोदी के भारत में उन्हें प्रत्येक पद पर व्यवस्थित पक्षपात का सामना है। भारत को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं, जब वह अल्पसंख्यकों के मूल मानव अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों तथा निम्न जाति के हिंदुओं के दमन में भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात से कई गुना वृद्धि हो गई है। मोदी के नेतृत्व में भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों तथा सिखों सहित अल्पसंख्यकों पर आक्रमणों में वृद्धि हो रही है। हिंदू नेता खुल्लम खुल्ला भारत में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा की अपील कर रहे हैं। मोदी शासन भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संपूर्ण समाज के सैन्यीकरण के लिए एक हिंदुत्व कार्यसूची पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध निरंतर आरएसएस विचारधारा को लागू कर रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दमन ने भारत के तथाकथित विश्व के विशाल प्रजातंत्र के दावों का पर्दाफाश कर दिया है। भारत में अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमानों, दलितों, सिखों व ईसाइयों पर आक्रमण विश्व के लिए एक चुनौती है। विश्व समुदाय को भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।